हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं मोहित सिंह रावत। और दोस्तों, आज हमने कोशिश की है कि उत्तराखंड एग्जाम दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे आपके सामने मैप के माध्यम से सबसे बेस्ट तरीके से आपको समझा पाए। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न भी रखे हैं, जिसके माध्यम से आज के बाद यह टॉपिक आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे, मैप में चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे हिमाचल और उत्तरकाशी जिले को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं हिमाचल और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला जो सबसे प्रमुख दर्रा है वह कौन सा है? श्रीकंठ दर्रा है, जो मुख्यतः 1500 मीटर की हाइट पर स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है एक और दर्रा, वह कौन सा है? वह है बरासू दर्रा। इसे बरासू दर्रा भी कहते हैं कहीं कहीं पे, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला जो प्रमुख दर्रा है, एक है श्रीकंठ दर्रा और दूसरा है बरासू दर्रा। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे तो वह है दोस्तों थांगला दर्रा। थांगला दर्रा की दोस्तों आपको हाइट भी ध्यान रखनी है, 6079 मीटर। तो दोस्तों, थांगला दर्रा उत्तराखंड के सभी दर्रों में से सबसे अधिक हाइट पर स्थित दर्रा है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बात करेंगे साथियों, आपको ध्यान रखना है, बात करेंगे मुलिंगला दर्रा, आगे बात करेंगे साथियों साग चौकला दर्रा। ये जो तीन दर्रे हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि तिब्बत और उत्तरकाशी को जोड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी दर्रे हैं, जैसे बांगला दर्रा हो गया, रसक चौकला दर्रा हो गया, यह भी तिब्बत और उत्तरकाशी को जोड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, आपको यह भी ध्यान रखना है जो केवल उत्तरकाशी में स्थित है वह है बाली पास। ये यमुनोत्री के पास स्थित है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है जो बाली पास है वे उत्तरकाशी में स्थित दर्रा है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और ध्यान रखना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह है ओडेनकॉल दर्रा। यह जो दर्रा है उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी को जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, उत्तरकाशी के इतने प्रमुख दर्रे आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहला श्रीकंठ दर्रा, फिर बरासू दर्रा, थांगला दर्रा, मुलिंगा दर्रा, सागचोकला दर्रा, बाली पास और ओडेनकॉल दर्रा। यह उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों जो चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला दर्रा है, आप सब जानते हैं, बात करेंगे दोस्तों वह है कालिंदी दर्रा। तो उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह कौन सा है? कालिंदी दर्रा। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, चमोली और तिब्बत के बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों नीति दर्रा, आप सब जानते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना दोस्तों माना दर्रा। दोस्तों, इनका कर्म हमने लिया नहीं है, कर्म आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, केवल आपको यह पूछा जाएगा कि यह जो दर्रे हैं किस किस को जोड़ते हैं। नीति दर्रा आपको ध्यान रखना है तिब्बत और चमोली को। माना दर्रा, जिसे डुंगरी लाल दर्रा भी कहते हैं, वो किसे जोड़ता है? तिब्बत और चमोली को। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है वह है किंगरी बिंगरी दर्रा। इसके अलावा साथियों बालचा दर्रा, आगे बात करेंगे साथियों चौर होती दर्रा। दोस्तों, चोर होती और बारा होती में कंफ्यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो चोर होती दर्रा है वह कहां पे है? वह है तिब्बत और चमोली के बीच में, और जो बारा होती जो दर्रा है वह है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। तो दोस्तों आपको यहां तक यह ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे साथियों, आपको ध्यान रखना है सलसला दर्रा। इसके अलावा भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है लमलंग दर्रा, और इसके अलावा भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है वह है तंजुन दर्रा। तो चमोली और तिब्बत के बीच में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे नीति दर्रा, माना दर्रा जिसे डुंगरीला दर्रा भी कहते हैं, किंगरी बिंगरी दर्रा, बालचा दर्रा, चोर होती दर्रा, सलसला दर्रा, लमलंग दर्रा और तंजुन दर्रा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट दर्रे भी है जो चमोली और तिब्बत के बीच में, आप सब जानते हैं चमोली और तिब्बत के बीच में ही सर्वाधिक दर्रे हैं। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक दर्रे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है जो सर्वाधिक जो दर्रे हैं वह कहां पर स्थित है? आप सब जानते हैं वह है चमोली और तिब्बत के बीच में। अब दोस्तों बात करेंगे जैसे और दर्रों की, तो आपको यह भी ध्यान रखना है घाटरल्या दर्रा, भ्यूंडार दर्रा या म्यूंडार दर्रा भी कहते हैं, और कोई दर्रा, यह भी कहां पे स्थित है? यह चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वह है बारहोती दर्रा या बारहोती दर्रा भी कहा जाता है। तो बारहोती दर्रा है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में, और चोरहोती दर्रा आपको ध्यान रखना है दोस्तों वह कहां पे है? वह दर्रा है तिब्बत और चमोली के बीच में। इसके अलावा बात करें साथियों चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है वह है मार्चियोक। इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है लातूधुरा, और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है वह है टोपीडुंगा। तो इतने दोस्तों दर्रे आपको ध्यान रखने हैं,
जो पिथौरागढ़ और चमोली से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अब बागेश्वर और चमोली के बीच में बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होगा सुंदर ढूंगा दर्रा। सुंदर ढूंगा दर्रा कहां पे स्थित है? चमोली और बागेश्वर को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। अब दोस्तों आपने यह देख लिया, अब चलते हम पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है वह है दारमा नबीधुरा दर्रा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है उटा जयंती दर्रा। उसके बाद बात करें दोस्तों लेबीधुरा। फिर आपको ध्यान रखना है मनुष्या लंपिया दर्रा। और मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों वह है लिपुलेक दर्रा। अब साथियों आप यहां पर देख सकते हैं, पूछा जाएगा जो सबसे पूर्व में दर्रा कौन सा है उत्तराखंड का, तो लिपुलेक दर्रा आपको दिख गया है। और सबसे पश्चिम में कौन सा दर्रा है, वह श्रृंखला दर्रा, यह भी आपको दिख गया। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगर हम पिथौरागढ़ में बात करें तो आपको यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों सिल्ला दर्रा, और यहीं पे जयंती दर्रा भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है जो केवल पिथौरागढ़ में स्थित है। अब साथियों आगे बात करेंगे, अब बात करते हैं हम दोस्तों बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में मोस्ट फेमस दर्रा है, आप सब जानते हैं, वह है ट्रेल पास, और जो कितने हाइट पर स्थित है 5356 मीटर। कहीं कहीं पर दोस्तों आपकी इसकी हाइट 5312 मीटर भी मिलेगी, तो आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। आप इन तीनों की हाइट आपको याद करके चलिए दोस्तों, श्रृंखला दर्रा की 1500 मीटर, थांगला दर्रा की 6079 मीटर, और ट्रेल पास की 5356 मीटर। अच्छा दोस्तों थांगला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यह भी आपको ध्यान रखना है, और जो सिल्ला दर्रा है दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहां से आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सब जानते हैं चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में, और चंपावत और पिथौरागढ़ के जो बीच में जो दर्रा है वह कौन सा है? लासपा दर्रा। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे यही है, यही से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आई होप आपको याद हो चुका होगा दोस्तों। अभी हम इसे दोबारा भी रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। अब जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी में नहीं है? ब्यांगला दर्रा, रसन चोकला दर्रा, लासपा दर्रा और मुलिंगला दर्रा। तो दोस्तों आपको ध्यान हो गया होगा, आपको मैप याद आ रहा होगा, इमेजिन कर रहे होंगे आप, तो इसका जो राइट आंसर है वह है लासपा दर्रा, क्योंकि लासपा दर्रा कहां पर है? पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में। अब साथियों आप यहां पर देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार दोबारा याद रखिए, और उत्तरकाशी और हिमाचल के जो मध्य दर्रे हैं श्रृंखला दर्रा और बरासू दर्रा, जिसे बरासू दर्रा भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, यह किन्नौर घाटी को जोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य दर्रे हैं, जैसे थांगला दर्रा, ब्यांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, सांग चोकला दर्रा, रसद चोकला दर्रा, तो यह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो आपको आई होप दोस्तों अब तक याद हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर दो पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ को नहीं जोड़ता? आपके पास ऑप्शन है मारचोक, चोरहोती, टोपी ढूंगा और लातू दर्रा। तो दोस्तों आपको याद हो चुका होगा, यहां पे हमने डिस्कस भी किया था इस क्वेश्चन को स्पेशली, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है चोरहोती दर्रा, क्योंकि जो चोरहोती जो दर्रा है वो कहां पे जोड़ता है? तिब्बत और चमोली को जोड़ता है, ना कि चमोली और पिथौरागढ़ को। अब दोस्तों आप यहां पे देखिए मैप के माध्यम से समझिए, यह हो गया चमोली और यह हो गया पिथौरागढ़। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है बारहोती दर्रा। अगर हम चोरहोती दर्रे की बात करेंगे दोस्तों, तो चोरहोती दर्रा आपको यहां पे ध्यान रखना है जो चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी याद भी हो चुका होगा, मारचोक दर्रा, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है लातू दर्रा, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दोस्तों वह है टोपी ढूंगा दर्रा। तो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन से हैं? बारहोती दर्रा, मारचोक दर्रा, लातू धुरा दर्रा और टोपी ढूंगा दर्रा। तो दोस्तों आपको यहां से यह ध्यान रखना है। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन पे। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों आपके पास, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली तिब्बत को नहीं जोड़ता? आपके पास ऑप्शन है माना दर्रा, डुंगरीला दर्रा, तंजुन दर्रा, चोरहोती दर्रा। अब दोस्तों आप कंफ्यूज मत करना, आपके पास मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए जिससे आपको मैप में आप इमेजिन करो और आपको ध्यान आ जाएगा कि इनमें से चमोली और तिब्बत को कौन जोड़ता है, जैसे लमलंग दर्रा, कोई दर्रा, सलसला दर्रा, लासपा दर्रा और बालचा दर्रा। यहां पे मैंने आपको दोस्तों नौ ऑप्शन दिए हैं। आपको अब याद हो चुका होगा दोस्तों कि चमोली और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है। तो सबसे पहले माना दर्रा, तो आप जानते हैं ये बिल्कुल सही है। डुंगरीला दर्रा, जिसे माना दर्रा ही कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तंजुन दर्रा दोस्तों, यह भी सही है। चोरहोती दर्रा अभी हमने डिस्कस किया था, यह भी बिल्कुल सही है। लमलंग दर्रा दोस्तों, बिल्कुल यह भी सही है। कोई दर्रा की बात करें तो बिल्कुल दोस्तों यह भी सही है। सलसला दर्रा भी सही है।
बालचा दर्रा भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों कौन सा हो गया, वो हो गया लासपा दर्रा। लासपा दर्रा आपको ध्यान हो चुका होगा दोस्तों कि यह है चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। तो दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार पे। क्वेश्चन नंबर चार है दोस्तों, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा निम्न में से कौन सा नहीं है। आपके पास है दारमा नबी धुरा, लेबी धुरा, उटा जयंती दर्रा और ट्रेल पास। तो दोस्तों आपको इसका आंसर मालूम होगा, इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा है, वह है ट्रेल पास। क्योंकि जो ट्रेल पास है वो किसे जोड़ता है आपको मालूम है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रों को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लिपुले दर्रा, मनुष्या दर्रा, लंपिया दर्रा, दारमा नबी धुरा, लेबी धुरा, उटा जयंती दर्रा। तो ये कहां है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे। अब दोस्तों हमने जो अभी मैप में पढ़ा था एक बार दोबारा से इसे जल्दी रिवाइज करते हैं और इसके साथ ही आज का जो अपना जो चैप्टर है, आज का जो वीडियो है, इसे एंड करते हैं। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले श्रीकंड दर्रा, बरासु दर्रा को आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। श्रीकंड दर्रा और बरासु दर्रा किसके बीच में स्थित है, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में स्थित है। इसके अलावा थांगला दर्रा, मुलिगला दर्रा, साग चोकला दर्रा, रसन चोकला दर्रा, ब्यांगला दर्रा, ये कहां पे है, ये है तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में। आपको बीच में यह भी ध्यान रखना है जो केवल उत्तरकाशी में स्थित है बाली पास, जो कहां पे है यमुनोत्री के आसपास है। और ओडेन कॉल दर्रा की बात करेंगे जो भिलंगना घाटी से जोड़ता है, यह भी उत्तरकाशी में स्थित है। कालिंदी दर्रा की बात करें साथियों, वो कहां पे स्थित है, वो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों चमोली और तिब्बत के बीच में, बात करेंगे सबसे पहले नीतिमाना दर्रा, किंगरी बिंगरी, बालचा, चोर होती, सलसला, लमलंग और तंजुन दर्रा। यहाँ पे इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है घाटरलिया, भूडार दर्रा, कोई दर्रा, तो यह भी किसके हैं, तो आपको ध्यान रखना है चमोली और तिब्बत के बीच में। अब साथियों पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में दोबारा याद करो, रिवाइज करो, बार होती, मारचोक दर्रा, लातू धुरा और टोपी डंगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना दोस्तों, बार होती हो गया, मारचियोक हो गया, लातू धुरा हो गया और टोपी ढूंगा हो गया, यह किसके बीच में है, यह है पिथौरागढ़ और किसके बीच में, चमोली के बीच में। सुंदर ढूंगा की बात करें दोस्तों बागेश्वर और चमोली के बीच में है। लासपत दर्रा की बात करें दोस्तों चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। और ट्रेल पास की बात करें तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। इसके अलावा दोस्तों सिनला दर्रा हो गया, ये केवल पिथौरागढ़ में स्थित है। दारमा नबी धुरा, उटा जयंती, लेबी धुरा, मनशा लंपिया और लिपुले कहां पे है, पिथौरागढ़ और किसके बीच में, तिब्बत के बीच में। तो दोस्तों आई होप आपको याद हो चुके होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में।